नमस्कार, राम राम। स्वागत है फूड एंड ट्रैवल टेल्स के नए वीडियो में। आज आप एक्सप्लोर करेंगे एक नया कैफ़े। काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी जोमेटो पे, गूगल पे, और उस कैफ़े का नाम तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। नाम है टू हंगरी स्टोनर्स। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा, कहाँ पर है यह कैफ़े, एम्बियंस कैसा है, खाना कैसा है, प्राइस कैसा है, जस्टिफाई कर रहा है सब कुछ, नहीं कर रहा है रेटिंग्स वो, तो बने रहना वीडियो के आखिर तक। पहली बार अगर मेरी वीडियो देखने लग रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। घूमने फिरने की, खाने पीने की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। ये कैफ़े है सेक्टर 57 में, जो मेन रोड जाती है गोल्फ कोर्स रोड से सेक्टर 56 होते हुए सेक्टर 57, उसी रोड पे ये कैफ़े है। ये कैफ़े उनके लिए है जो खाना पसंद करते हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सैंडविच, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, इस टाइप का खाना इस कैफ़े में मिलता है। अच्छा, सही है, बढ़िया। टू हंगरी स्टोनर्स कितनी दूर का रखता है? तो पास में दिखा रहा है, इतना पास। हम लोग गए थे ब्रंच के लिए 11-12 बजे के आसपास, और मौसम का तो पता ही है, आजकल पूरी आग बरस रही है। गुड़गांव में ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे कैफेज खुल गए हैं जो अच्छा खाना ऑफर करते हैं। जैसी थीम इस कैफ़े की है, ऐसा ही एक कैफ़े और है गलेरिया मार्केट की साइड, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, तो बने रहना अपने चैनल पे। और ये पहुँच गए हैं आप कैफ़े। ये कैफ़े किसी मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में नहीं है, ऐसे ही मेन रोड पे है। अगल बगल प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें हैं, तो ओपन पार्किंग है यहाँ पे। ये थोड़ा सा इशू लगा, तो जहाँ जगह मिले वहीं लगानी पड़ेगी दाएं बाएं देख के। बहुत छोटी सी एंट्रेंस है इस कैफ़े की, तो डेडिकेटेड पार्किंग वाला हिसाब किताब था नहीं यहाँ पे। पर इस कैफ़े को लोकेट करना, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं था, सीधा सीधा रास्ता है, गूगल मैप्स पे दिख जाएगा। ये पास में खाली प्लॉट दिखा था, इसी में पार्क कर दी थी हमने, तो और यहीं खड़ी करके हम पहुँच गए कैफ़े। इसकी एंट्रेंस कोई खास बड़ी है नहीं, छोटी सी एंट्रेंस है, इतनी दूर से तो अभी दिख भी नहीं रही होगी। रेटिंग इसकी अच्छी है, और उसका मेरे को लगता है ये आजकल जोमेटो स्विगी की काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहती है रेटिंग इम्प्रूव करवाने में कैफेज की। तो चल के करते हैं टेस्ट खाना, देखते हैं यूं ही चढ़ा रखी है रेटिंग या सही में डिजर्व करता है इतना। ये है इसकी एंट्रेंस। एंट्रेंस की क्लियर पिक्चर्स जोमेटो गूगल रिव्यूज़ पे इतनी क्लियरली डाली नहीं हुई हैं, तो यूं लग वहाँ जो फ़ोटोज़ हैं वो देख के लगता है कि अच्छा स्पेशियस कैफ़े होगा, पर ये बेसमेंट वाला कैफ़े है। पर है इसमें भी आउटडोर सीटिंग का ऑप्शन, पर वो नीचे जाके ही है। ये है इस कैफ़े में अंदर बैठने की जगह, पर यहाँ पे इंटरव्यू शूट चल रहा था जब हम गए, और लोग भी कम आए हुए थे, तो हमें तो लगा एक बार कि बंद ही होगा कैफ़े, पर पीछे की तरफ बैठने की जगह थी, खुला ही हुआ था, तो हम वहीं जाके बैठे। ये बीच में ऑफिस टाइप भी वर्क स्पेस रखा हुआ है इन लोगों ने, पता नहीं ये अपनी टीम के लिए है या बाहर के लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं, हम तो नॉर्मल ब्रंच करने ही गए थे। ये है पीछे का सिटिंग एरिया, ये ओपन में है, कूलर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक ही है, मतलब बैठने में इतनी दिक्कत वाली बात लगी नहीं, ऊपर शेड लगी हुई थी। हमने ऑर्डर किया था वेज चीज़ सैंडविच, मशरूम ऑमलेट एंड वाटरमेलन जूस। खाने की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट में गजब का खाना था, क्वांटिटी भी फुलफिलिंग थी। खाने का जो टेस्ट था, क्वांटिटी थी, वो यहाँ के रेट और रेटिंग्स दोनों को जस्टिफाई कर रही थी। खाना और प्राइस जो है यहाँ का, वो दोनों ही चीज़ें ऑन पॉइंट हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। सबसे पहले तो है इनकी सर्विस,
हाँ इनका यहाँ इंटरव्यू चल रहा था, पर अगर आप कस्टमर्स को बिठा रहे हो तो आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। काफ़ी डिलेड सर्विस थी, काफ़ी देर वेट करना पड़ा। दूसरा फीडबैक है इनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड। फ़ोटोज़ में काफ़ी अपीलिंग लगता है ये कैफ़े, बढ़िया स्पेसियस सा लगता है, पर एक्चुअल में वैसा सीन नहीं है। थोड़ा सा डल लगा यहाँ का माहौल, और यूँ लग रहा था जैसे साफ़ सफाई इतना फ्रिक्वेंटली करते नहीं हैं। थोड़ी धूल सी चढ़ी हुई लगेगी वैसे भी, और लोग कम आए हुए थे, आधा इंटरव्यू में ऑक्यूपाइड था, तो जबकि इन्होंने गाने वाने बजा के रखे हुए थे, पर थोड़ी सी वाइब्स हिली हुई थी जगह की। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो पेट खुश तो मन खुश, खाना यहाँ का अच्छा है, तो एक बार आया जा सकता है। मौसम थोड़ा ठीक हो, ठंडा टाइप हो, तो ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो में कवर करेंगे ऐसा ही एक कैफ़े जिसका एम्बियंस इससे भी बेटर है, खाना भी अच्छा है वहाँ का, तो बने रहना अपने चैनल पे। जानकारी काम की लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।